नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के बारे में। जी हां, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 30 जुलाई की आज की सबसे बड़ी खबर है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपके मन में डाउट्स ये है कि सर क्या 9 अगस्त को परीक्षाएं होंगी रद्द, क्या होंगी कि नहीं होंगी, तो आप लोग भी वीडियो देखिए, मैं आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हैं, आपको टॉपिक लिए चलते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर कर दूं, उसके बाद आपको डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की उठी मांग, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा आपकी स्थगित हो, इसको लेकर मांगे तेज हो गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे हैं छात्र, यानी काली पट्टी बांधकर आपके प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र की यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा अभी स्थगित की जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड की प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और कोरोना संकट के बीच होने जा रही प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठने लगी है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी में एक और जहां छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने आप लोगों के पक्ष में या आपके प्रवेश परीक्षा न करा जाए, इसको लेकर विरोध, वो भी आपके विरोध में शामिल हो चुकी है। आपको बता दें कि उन्होंने भी मांग की है कि आप लोगों की परीक्षाएं ना कराई जाए, आप लोगों की जो अभी परीक्षा है वो आगे बढ़ा दी जाए, या अभी कोरोना वैश्विक महामारी में कोई भी परीक्षाएं न आयोजित की जाए, इसको लेकर माननीय प्रियंका गांधी भी आपको सपोर्ट कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जो बीएड प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने के लिए जो मांग की जा रही है, मंगलवार को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और छात्रों ने हाथ में तख्तिया, वहीं बांह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 4.5 लाख आवेदन हुए हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों के सेंटर पे आने से महामारी का खतरा बढ़ जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि 4 लाख यानी 4.5 लाख कोई भी छोटी डिजिट नहीं होती, वो काफी छात्र हैं और इस कोरोना वैश्विक महामारी में ये छात्र अगर परीक्षा देने जाएंगे तो बहुत ही खतरा होगा। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका एग्जाम सेंटर काफी दूर है और ऐसे में ट्रेन सेवाएं सभी बंद है, तो उन छात्रों को जाना बहुत ही मुश्किल होगा इस कोरोना वैश्विक महामारी में। और छात्रों की ये तरीके से उम्मीद है, एक तरीके से गुहार है सरकार से कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो अभी कोरोना वैश्विक महामारी में ना कराई जाए, सामान्य स्थिति हो जाए, उसके बाद हमारा परीक्षा का आयोजन करा सकते। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कल रात यानी कि अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और जिसमें आपकी ये स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। आपको बता दें कि 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि भारत के अंदर जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करनी है उनको सभी रद्द करें या उसको पोस्टपोन करके जब कोरोना की वैश्विक महामारी समाप्त हो जाए, स्थिति सामान्य हो जाए, तभी परीक्षाओं का आयोजन करें। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था कि हम जैसे छात्र शक्ति को किसी भी मीडिया की जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों के हक में है, आप लोगों के हाथ में है, तो वो करेंगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, ऊपर तक आवाज़ जाएगी और आपकी आवाज़ जाएगी तो आपके हक में फैसला भी आने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि आप अगर चाहेंगे तो एक दिन में 1 मिनट और एक ट्वीट करके अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्विटर पर ट्वीट करेंगे या मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपकी बातें बहुत ही जल्दी सरकार के पास जाएगी और आपके हक में 100% आपका फैसला देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्विटर पर कैंपेन कीजिए, आप लोग यूनिटी बनाइए, मैं आप लोगों की तरफ से यानी AVPS क्लासेस की तरफ से पूरी सपोर्ट करेंगे, जितने भी आप लोगों की सपोर्ट होगी मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप लोग यूनिटी बनाकर आप लोग पावर अपना दिखाइए और हक में आपके 100% आपके हक में फैसला आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। तो मैं आप लोगों को फिर आश्वस्त करता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की जरूरत है हमारी तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आप लोगों को पूरी फुल सपोर्ट करूंगा कि इसकी कोरोना वैश्विक महामारी आप लोगों का एग्जाम न कराया जाए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न की जरूर रिप्लाई दूंगा। और एक छोटी सी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक शेयर करने से आपके छात्र शक्ति इकट्ठा होगी और जब आप लोगों की छात्र शक्ति इकट्ठा होगी तो आप लोगों के हक में फैसला जरूर आएगा। धन्यवाद।